नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं रेसिपी रिटर्न फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी लेकर। तो आप सभी इस रेसिपी को अंत तक देखिए और अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। तो आज मैं आपके सामने सुपर टेस्टी, स्वाद में जबरदस्त, सुपर सॉफ्ट खोआ का गुलाब जामुन की रेसिपी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। देखिए बिल्कुल हलवाई की तरह ये कितने सॉफ्ट और रसीले हुए हैं। आप देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं। क्यों आ गया ना मुंह में पानी। इसी तरीके की रसीली सुपर सॉफ्ट परफेक्ट गुलाब जामुन आप भी इजीली अपने घर पर बना सकते हैं। तो बस जो कुछ भी मैं छोटे मोटे से टिप्स दूंगी उसे वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक देखें, तभी आप इस रेसिपी को इजीली समझ लेंगे। तो इस धासु रेसिपी को घर पर बनाकर मुझे अपनी फीडबैक जरूर दें। रेसिपी पसंद आने पर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें, जाकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और साथ ही आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक परात में 300 ग्राम खोआ डालें। इसे कहीं कहीं पर मावा भी कहा जाता है। ये पिसा हुआ चीनी 2 टीस्पून है। ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी चाशनी अंदर तक गुलाब जामुन में नहीं जाता है। अगर इसमें इसे डाल देंगे तो गुलाब जामुन की मिठास बनी रहेगी। लेकिन आगे मैं एक ऐसा टिप्स दूंगी जिससे चाशनी अंदर तक 100% एब्जॉर्ब होगी गुलाब जामुन में। तो अब इसे डालें। 1/3 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालें। ये बहुत जरूरी है, इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आपका गुलाब जामुन सॉफ्ट बनेगा। ये कुटा हुआ 4 इलायची है, जिसमें से मैं आधा डाल रही हूँ और आधा चाशनी के लिए बचा के रख दे रही हूँ। ये 4 बड़े चम्मच मैदा है। इसे एक बार में मैं नहीं डालूंगी, मतलब इकट्ठा नहीं डालूंगी, धीरे धीरे करके बार बार डालूंगी और गूंथूंगी। और साथ ही अब 1 से 1.5 छोटा चम्मच पानी भी डाल सकते हैं, इससे गूंथने में आसानी होगी। और अब आप देखते ही देखते डो सा बन चुका है। तो अब इसे 15 मिनट के लिए लगभग लगातार अच्छे तरीके से गूंथते रहना है, इससे भी गुलाब जामुन परफेक्टली बनके तैयार होती है। इस डो को गूंथते गूंथते 10 से 15 मिनट का समय गुजर चुका है। डो परफेक्टली रेडी हो चुका है। तो अब इसकी गोलियां तैयार कर ले। साइज आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान दें कि गोलियों में बिल्कुल भी क्रैक नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल से परफेक्ट गोल होना चाहिए इस प्रकार से। तो लीजिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैंने सारी गोलियां तैयार कर ली हैं। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो अब इस बर्तन में 1.5 कप चीनी डालें और 1.5 कप चीनी के हिसाब से 3 कप पानी डालें और सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम में लगातार चलाते हुए शक्कर को मेल्ट करें। शक्कर मेल्ट हो चुके हैं। तो अब इसमें 3 टीस्पून नींबू का रस डालें। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालें, नहीं तो स्किप करें, लेकिन इसे डालने से चाशनी में क्रिस्टल नहीं पड़ते हैं। तो अब इसे मीडियम फ्लेम में लगातार चलाते हुए एक तार की चाशनी बनाएं। तो अब चाशनी एक तार की बन चुकी है। तो चलिए आपको दिखा दे रही हूँ कि ये एक तार की बनी है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये एक तार की बन चुकी है। तो अब बाकी के कुटे हुए इलायची को इसमें डालकर मिक्स करें और फ्लेम को ऑफ कर इसे ढक कर साइड में रख दें। तो अब इधर कढ़ाई में तलने के लिए आवश्यकता अनुसार रिफाइंड ऑयल पहले से ही गैस में गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था, जो कि गर्म हो चुका है। फ्रेंड्स, गुलाब जामुन को तलने के लिए रिफाइंड ऑयल की जगह पर आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप फ्लेम को लो करके आवश्यकता अनुसार गोलियों को डालें। यहाँ पर 3 बातों का खास ध्यान दें। पहली बात यह है कि गोली की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है,
नहीं तो गुलाब जामुन को स्पेस नहीं मिलेगा और ये अच्छे तरीके से फ्राई नहीं होंगे। और दूसरी बात यह है कि क्वांटिटी ज़्यादा डालने पर गुलाब जामुन एक दूसरे के साथ ज़्यादा टकराने की वजह से ये फूट सकते हैं। और आखिरी बात यह है कि ध्यान दें कि हल्के हाथों से शुरू में चम्मच से इस प्रकार से सावधानी पूर्वक इधर उधर करके पलटें। अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो इससे भी गुलाब जामुन फट सकते हैं। जब ये फ्राई हो जाए तभी स्पैचुलर का मदद लें। तो अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम में ही आखिरी तक फ्राई करना है, हाई फ्लेम में बिल्कुल भी नहीं फ्राई करना है। आप अगर हाई फ्लेम में इसे फ्राई करेंगे तो ऊपर से तो ये लाल हो जाएंगे लेकिन अंदर से अनकुक ही रह जाएंगे, इसलिए हाई फ्लेम में बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि गुलाब जामुन परफेक्टली फ्राई हो चुका है। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि मैंने स्पैचुलर का इस्तेमाल अब कर लिया है। तो आप स्पैचुलर की मदद से ही कढ़ाई से गुलाब जामुन को टिश्यू पेपर में रखें, जाके अतिरिक्त ऑयल एब्जॉर्ब कर ले, और सेम प्रोसेस में बाकी सारे गुलाब जामुन को भी फ्राई कर लेना है। और जो गुलाब जामुन को मैंने अभी अभी फ्राई करके निकाला है उसे तुरंत ही चाशनी में डालें। चाशनी में डालने से पहले एक बात का खास ध्यान दें, वो ये है कि चाशनी बिल्कुल से गर्म होनी चाहिए तभी गुलाब जामुन को डालें। अगर आपकी चाशनी थोड़ी भी ठंडी रहेगी तो गुलाब जामुन चाशनी के अंदर तक एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। इसलिए अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई है तो फिर से गर्म करके गुलाब जामुन को डालें। ये वो सीक्रेट टिप्स है जिससे आपका गुलाब जामुन रसीले बिल्कुल से हलवाई की तरह बनेगा। तो इसी तरीके से बाकी सारे गुलाब जामुन को भी डालें और 2 घंटा इसे ऐसे ही ढक कर छोड़ दें, जाके गुलाब जामुन में चाशनी अच्छे तरीके से इंटर हो जाए। दो घंटा गुजर चुका है तो आप ढक्कन को खोले, गुलाब जामुन में चाशनी परफेक्टली इंटर हो चुकी है। तो आप इसे सर्व कर ले। आपके सामने सुपर डिलीशियस, सुपर सॉफ्ट, बिल्कुल से हलवाई की तरह रसीले गुलाब जामुन सर्व होके रेडी हो चुका है। तो इसे आप इस विजयदशमी के पावन अवसर पर बनाएं, खुद खाए, फैमिली को खिलाए और मेहमानों को सर्व करके मेहमान नवाजी करें। मैं 100% दावे के साथ बोल रही हूँ कि आपका गुलाब जामुन जो खाएगा वो तारीफ करेगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी जरूर पसंद आएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।